बिजनौर से हैं सफी, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते जी सर, नमस्कार। मेरे कॉल में गाड़ियों में बहुत परेशान हूँ। मैंने सुबह भी करा, कॉल कट गई। मैं एक तो मेरी दिक्कत आ रही, मैं काला मेरी बात पूरी सुनिए, लिखते रहिए। आप बात जब चालू कर देते हो तो मैं सर 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 करती रहती हूँ, मेरी आवाज नहीं जाती फिर आपको। एक तो मैंने पहले नुकता पूछा था सर आपसे, ये जैसे आप आंवला औरत कहते दिखोगे, जो मतलब 1 महीने से 2 महीने मतलब रखते हैं जैसे औरतों को, तो 4 महीने है तो उसे गैस बन रही है। आपने वो नुकता तो गैस का बता दिया सर, तो उसे पूछना उस लेडीज के लिए कभी गर्म कर जा। मैंने जब उनसे बताया तो वे कह रही कि ये पूछती कि जिस औरतों को मतलब बच्चा रहता उनके लिए गैस का नुस्खा, तो वो 4 महीना चला उनमें गैस उल्टी बहुत है, उनके लिए बताइए सर एक तो नुस्खा। और सर दूसरा मेरा यह है, मेरा शरीर में बिल्कुल ताकत से जान से नहीं है, मेरे तलवे में सीधे पैर के भी आग बोलती है। जिस मेरी वो दवी हुई थी, जैसे डॉक्टर खिसकती अंग्रेजी दवाई खानी पड़ती है, जाके सही होती हूँ, तलवे में आग बोल रही है, नसों में गांठ सी है सर मेरा, बहुत दिक्कत आ रही है। काला गोंद में आपका खाई रही हूँ जैसा आपने बताया सर। और वो ये जो साइड में दुख रहा था, वो जैतून नमक भी धनिया से आजकल से अलसी भी ले ली जो आपने बताई थी सर। सर कुछ भी करिए आप, भगवान हो मेरी बात थोड़ी समझे, जब तक टीवी से सुनूंगी मैं आपको। और एक बच्ची के किसी ने बताया कि हमारी बच्ची छोटी है 7.5 साल की, उनके जैसे खुजाते हैं तो निशान हो जाते हैं बच्चे के, कोई दवाई ना हमारी बच्ची की भी पूछ लियो, खुजाने से निशान से जैसे औरतों को हो जाते हैं निशान इस तरह से, मतलब कंधे पे कहीं भी जहाँ भी खुजा दे वही निशान पड़ जाते हैं बच्ची के। ठीक। जिन्हें भारी पंजा काया तो भारी है ही बच्ची की जो 7.5 साल की वो भी। और तीसरा सवाल ये है, नस दबी हुई है घुटनों की, तो उसमें सारी काया में दिक्कत हो रही है हमारी एक बड़ी बहन के, उनका भी नुस्खा बताइए आप सर। और ये मेरा नुस्खा जरूर बताइए, और एक हमारी लड़की है वो 24 घंटे सिर पकड़ती रहती है, सिर में दर्द बताती है। कितनी उम्र है? उम्र बताइए उसकी। उम्र लड़की की हमारी है 35 साल। ठीक है ठीक है। 24 घंटे सिर पकड़ती है, दर्द होता है, टेंशन में रहना है, मैं कैसे पता नहीं। शादी हो गई है उसकी? पेट में भी आंसू बढ़ती जी। शादी हो गई उस बच्ची की? जी 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 हाँ जी, बच्ची है उसके, बच्ची है एक उनके भी लड़की है। ठीक है ठीक है ठीक है, आप लिख लीजिए। देखिए जो बच्ची सर पकड़ती है तो उसको कहें कि ऐसे बैठ के ऐसे एक्सरसाइज करें रोज़ाना 3 मिनट, ठीक है, ईमानदारी से करें, 3 मिनट करनी है, चाहे 3 बार में करें। और ऐसे देखिए ये पूरा यहाँ तक आ जाता है, ये भी 3 मिनट, हो सकता है दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़े, और दवा की ज़रूरत पड़े तो एक चुटकी गौंद चिलगोज़ा रोज़ाना खाना है, एक चुटकी गौंद चिलगोज़ा खा लें, और अलसी में मिलाकर खाएं। अलसी आप जानते ही होंगे, अलसी को हल्का सा भून के पाउडर बना लें, एक चुटकी गौंद चिलगोज़ा, एक चुटकी ये एक चम्मच अलसी या आधा चम्मच अलसी में मिलाकर, और शहद में मिलाकर भी खा सकते हैं, मलाई मिलाकर भी खा सकते हैं, ये बच्ची को देना शुरू करें। और देखिए आपके जो पैर में जलन है उसके लिए आप गौंद सिया ले रहे हैं, इसमें वक्त बहुत लगता है, 6-7 महीने तक लें। शर्त यह है कि वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा कुर्सी वाला टॉयलेट यूज़ करें, और झाड़ू पोंछा भी ना करें, वज़न भी ना उठाएं, तब आप अच्छी हो सकती हैं। और जिनके नस दबी हुई है, ये नस आपके भी दबी हुई है, उनके भी दबी हुई है, नस दबने से ही होता है, किसी के जलन होती है, किसी के दर्द होता है, किसी को सुन्न होता है, किसी को खिंचाव होता है, किसी को गांठें सी लगती हैं, तो जिनके नस दबी हुई है उनको भी गौंसिया आधा आधा ग्राम खिलाएं, उनको बहुत जल्दी फ़ायदा मुमकिन है, आपको थोड़ा देर में होने वाला है फ़ायदा। और क्या, 7.5 साल के एक बच्चा है, खुजाने पर निशान हो जाते हैं। हाँ, उनको अलसी को हल्का सा भून के
और आधा चम्मच अलसी, आधा चुटकी खाने का सोडा, आधा चुटकी, एक चुटकी भी नहीं, छोटा बच्चा है, मिलाएं और उसमें शहद मिला के मिक्स करके पूरे दिन में बस एक खुराक उनको दे दिया करें, बच्ची का फ़ायदा होना मुमकिन है। एक सवाल और था हकीम साहब, इनका शायद प्रेग्नेंट लेडी हैं जिनको गैस और उल्टी बन रही है। हाँ देखिए, ये जो प्रेगनेंसी है यहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं। तो एक तो देखिए, गाँव के पंसारियों के पास वो मिलता है सूखा हुआ आलू बुखारा। तो जब भी इनको ये सब हो, गैस या एसिडिटी या बेचैनी या उल्टी सा लगे, तो एक या दो आलू बुखारे सूखे मिलते हैं, वो खट्टे होते हैं, या फिर इमली जो भी आसानी से मिले, आलू बुखारा बहुत अच्छा है, तो ये दे दिया करें। और वैसे तो इसी से फ़ायदा हो जाना चाहिए, फिर भी आपका फ़ोन नहीं मिलता, आपको शिकायत रहती है, काट देते हैं, हालांकि हम काटते नहीं, हमारे हाथ में नहीं होता फ़ोन, इसका दूसरा डिपार्टमेंट है, तो वहाँ से आता है, वहीं से कटता है। तो अगर उस तरह से फ़ायदा नहीं हो तो धनिया का पाउडर एक चम्मच खाएं और एक चुटकी खाने का नमक जैतून आता है, नमक जैतून एक चुटकी असली वाला लें, एक चुटकी दो गिलास पानी में मिलाएं और इसको पी लिया करें पूरे दिन में एक बार, तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। हकीम साहब, गौनसिया का इस्तेमाल जब दर्द के पेशेंट करते हैं तो दर्द क्या है बे इंतहा होता है, और पहले से भी दवाइयों का इस्तेमाल होता है, तो अगर गौनसिया धीरे धीरे करके आराम देता है तो कई बार तो पेशेंट को समझ में भी नहीं आ पाता होगा कि आराम मिल रहा है। देखिए, गौनसिया की अजीब तासीर है जी, और क्योंकि हम लोग हजारों लाखों लोगों पर आजमा चुके हैं, मैं जाती तौर पर कभी लेता हूँ, कोई सब रोग मुझे भी हो सकते हैं जो दूसरों को होते हैं, तो मैं तो दो चार खुराक लेता हूँ, मैं ठीक हो जाता हूँ। लेकिन मैं मरीज से कहता हूँ कि आपको 7-8 दिन के बाद फ़ायदा शुरू होगा और आपको 2-4 महीने खाना होगा। ये और बात है कि मैं तो जैसे ही कोई रोग शुरू हुआ मैंने खाया और फौरन ले लेता हूँ, आप बहुत पुराने मरीज होते हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ 7-8 दिन बाद फ़ायदा शुरू होता है। वो भी दो सूरतें हैं, या तो वो दर्द कम होने लगता है या बढ़ने लगता है, दोनों सूरतों में फ़ायदा होता है। दर्द बढ़ता है तो फिर एक हफ्ता तक बढ़ता है, फिर कम भी होने लगता है, तो जिनको दर्द बढ़ जाए वो दर्द की दवा के साथ लें गौनसिया। और मैंने अपने जीवन में इतना अच्छा रॉ मटेरियल नहीं देखा, मेरी तकरीबन 40 साल अनुभव है मुझे कि जो इस कदर फ़ायदा करता हो, लेकिन फिर भी किसी को फ़ायदा ना हो तो मैं ज़िम्मेदार नहीं। ये भगवान ने एक अजीब चीज़ बनाई है और एहतियात भी लाजिम है जो मैं बताता हूँ, लेकिन ये जो क्योंकि कुदरती एक रॉ मटेरियल है, एक गोंद है जो असली मिलना ज़रूरी है, जिसको फ़ायदा नहीं हो तो वो ये देखें कि नकली तो नहीं है उनके पास, सर्च कर ले मेरी यूट्यूब पर कैसा होता है गौनसिया, हकीम सुलेमान खान नाम से यूट्यूब पेज को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी तरफ से रोज़ाना आपको 2-4 नुस्खे भेजे जाते हैं। जो लोग भी हमारे व्यूवर्स हैं तो उसको लाइक सब्सक्राइब कर लें, तो वो देख लें कैसा होता है। फेसबुक पर भी मेरा यही पेज है हकीम सुलेमान खान, और यूट्यूब पर भी, वहाँ से आप सवाल भी कर सकते हैं, आपको जवाबात भी दिए जा सकते हैं, बहुत ज़रिए हैं अब तो। मेरी और आपकी जो बात होती है कार्यक्रम में लाइव, वो हम उसी पर डाल देते हैं ताकि वो सच्ची बात आप तक पहुँच जाए और आप समझ जाएँ कि ये कार्यक्रम की जो कटिंग डाल देते हैं इसकी, तो सारे नुस्खे उसी पर जाते हैं। बातचीत आपसे ही होती है, जवाबात मेरे होते हैं, लेकिन असली दवाएं लेंगे तो फायदा होना मुमकिन है जी। दिल्ली से हैं अशोक जी, स्वागत है आपका। हेलो अशोक जी, आप लाइन पे हैं सर? हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। मैडम जी, मैंने गोंद मोरिंगा सफेद वाला और जैतून का सिरका मंगाया जी।
गोल मोरिंगा सफेद और जैतून का सिरका मंगाया था मैंने। ठीक है सर। हाँ तो उससे मुझे हाँ जी हो और उससे मुझे आराम तो है। नमस्कार जी। अच्छा आराम है आपको, आप बात पूरी कर लीजिए। हाँ तो उसमें मुझे कोई परहेज तो नहीं कोई करना है? किस चीज के लिए खा रहे हैं? मुझे लीवर के लिए बताया था। ठीक है ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप, उसे ले रहे हैं, फ़ायदा भी शुरू हो गया, अच्छी चीज़ है लीवर के लिए। और फैट से परहेज, लीवर की कोई परेशानी हो, लीवर बढ़ गया हो, लीवर जॉइंटिस हो, लीवर ठीक से काम नहीं करता हो, तो एनिमल फैट से परहेज करना चाहिए। एनिमल फैट घी में भी होता है, मक्खन में भी होता है और दूध में भी होता है और मीट में भी होता है। ये चर्बी एक ही सी होती है इन सब में, मीट में भी और दूध में भी और घी में भी, तो इससे परहेज करें। अच्छा वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं और लगातार इस्तेमाल करें जब तक आप मुकम्मल अच्छे ना हो जाएं। जी एमपी से हैं निशा, स्वागत है मैम आपका। हाँ सर, वो सर आपने मुझे नुस्खा बताया था गोरे होने के लिए, अलसी आंवला और गोंद मोरिंगा गन्ने के जूस से निहार मुंह, तो सर गन्ने का जूस मिल पा रहा है तो उसके अलावा कुछ ले सकते क्या? जी। बहुत अच्छा सवाल किया है बच्चा। और सर एक और था सर, हमको ना पीसीओडी का प्रॉब्लम था तो आपने उसके लिए हमको अलसी नमक जैतून और खाने का सोडा बताया था। हमारा दिक्कत ये है कि ना सर वेट ना मतलब बिल्कुल कम नहीं होता, सर वेट बढ़ता ही जा रहा है, सर उसके लिए खाने की तो उसके लिए भी पूछना था। ठीक ठीक है। वेट लॉस के लिए डाइट कंट्रोल ज़रूरी है, जितनी आपकी खुराक है उससे आधी खुराक कर लें और बग़ैर दवा के भी आपका वेट कंट्रोल हो सकता है। देखिए बहुत आसान है, मैं जब वेट कम करता हूँ अपना तो कोई दवा नहीं लेता, दवा तो मजबूरी है, तो मैं सुबह को एक प्याली दाल चम्मच से खा लेता हूँ या पी लेता हूँ, दोपहर को एक फल कोई खाता हूँ, एक सेब या एक अमरूद ये, और शाम को खाना खाता हूँ जो जितनी मेरी खुराक है उससे आधा। तो रोज़ाना तोल के मैं 50 ग्राम या 100 ग्राम कम हो जाता हूँ, जितना चाहूँ वज़न कम कर लूँ। ये डाइट कंट्रोल, इसमें किसी दवा का दखल नहीं। हाँ पैदल भी चलता हूँ एक घंटा, पानी भी 5 गिलास पीता हूँ गर्म, ये बग़ैर दवा का इलाज है। और डाइट कंट्रोल इतनी ज़रूरी है कि बग़ैर दवा के भी आप अच्छे हो सकते हैं। और बच्चा देखो इसके लिए एक ज़ीरे का सिरका भी आता है, असली लें दो दो चम्मच, दो तीन बार ले सकते हैं खाने से पहले खाने के बाद, इससे भी वेट लॉस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और भी बहुत नुस्खे हैं। और क्या सवाल था इनका? गोरे होने के लिए आपने एक नुस्खा बताया था गन्ने का जूस नहीं मिल रहा है। हाँ हाँ असली सवाल तो रह गया, जिनको गन्ने का जूस ना मिले तो गन्ने का गुड़ आता है पीला पीला होता है, आप तो बच्चे हैं पता नहीं जानते या नहीं जानते, लेकिन पंसारी के यहाँ मिलता है, तो वो उस गुड़ से को पानी में घोल लें और गन्ना जितना गन्ने का जूस जितना मीठा होता है इतना मीठा कर लें, उसे जायकेदार बनाने के लिए उसमें नींबू भी निचोड़ सकते हैं तो वो जायकेदार हो जाता है। जब तक गन्ना नहीं मिलता है तो उससे लें तो ये वही काम करेगा, और जब गन्ना मिलने लगे तो गन्ने के जूस से लें, काफ़ी फ़ायदा होता है जी। मेरा आजमाया हुआ है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं।